कल हमने फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का इक्वलिटी वाली का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो कल हमने क्या पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं अपन, है ना। इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी होता है समानता, जब आपको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल समझा जाता है, जैसे कि हमारी इंडियन स्टेट में समझा जाता है, इंडिया कंट्री में हर एक नागरिक को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, तो वो एक क्या पार्ट है, इक्वलिटी का एग्जांपल है। और हमने पढ़ा था ना तवा मत्स्य संघ में उन्होंने जो लड़ाई करी थी वो किस वजह से की थी, क्योंकि उनका जो इक्वलिटी का राइट था वो वॉयलेट हो रहा था, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था ना तवा मत्स्य संघ, हाँ, उससे रिलेटेड वो उसका एग्जाम्पल था इक्वलिटी का। अब हम पढ़ेंगे बेटा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट फॉर्म बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल टू द पीपल, मतलब मेन फोकस जो है डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में वो किसका होता है, पीपल का होता है ना, पीपल ही चुनते हैं, पीपल ही देते हैं और पीपल में से उठ के ही लीडर बनता है, तो मेन फोकस किसपे होता है, लोगों पे होता है। तो जब तक पूरी सोसाइटी में या पूरी कंट्री में इक्वलिटी नहीं होगी, यानी कि समानता नहीं होगी, तब तक डेमोक्रेसी का होना ना होना बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबका मत होना जरूरी है, और जब पार्शियलिटी होगी यानी कि अनइक्वलिटी होगी तो सब अपना मत कैसे देंगे, जहां इक्वलिटी नहीं वहां डेमोक्रेसी नहीं। इसीलिए ये चैलेंज है हर डेमोक्रेटिक कंट्री का कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या हो, इक्वलिटी की भावना हो, यानी कि हर किसी को इक्वल राइट मिले। जैसे हमारे यहाँ राइट टू वोट, हमारी कंट्री में जो राइट टू वोट है यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो इक्वलिटी का एक मेजर एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल कैसे है डेमोक्रेसी का वो, क्योंकि जब तक पूरी कंट्री में हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक इक्वलिटी कैसे हो सकती है। इक्वलिटी तो वही कही जाएगी ना जहाँ सब इक्वल हो, सबको अपना राइट दे, अपना मत देने का अधिकार। तो इसी तरह से चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी में कि अगर डेमोक्रेसी बरकरार रखनी है किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह में तो वहां पे इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं कि कहीं से भी अनइक्वलिटी सोसाइटी में एंटर नहीं करनी चाहिए। सेकंड है देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? ये एक टर्म है जो हमें ये बताती है कि वोट कौन लोग दे सकते हैं, किसको आप एक अडल्ट समझते हो। इसका मतलब ये है कि वोट देने का अधिकार किसको होता है, 18 से अबव लोगों को होता है ना। तो एक लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने कि इस एज के बाद लोगों में इतनी समझ होती है कि वो समझ पाए कि हमारा लीडर कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो उसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो इस टर्म का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में या जहाँ पे भी बात करी जा रही है, जैसे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, 18 है अबव, अगर आप 18 साल के हैं या उससे अबव हैं तो आपको पूरी तरह से राइट है वोट देने का, चाहे आप किसी भी कास्ट से, किसी भी जेंडर से या किसी भी जगह से बिलोंग करते हो। ये देखो पॉइंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कल ये मैंने समझाया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं दोबारा से समझा रही हूँ। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका बार बार यूज होता है, वो एक बार लिख के खत्म होने वाली चीज नहीं रह गए हैं, वो रोज जिए जाते हैं, रोज उसकी पालना होती है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वो बंद हो गया उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। हम हर रोज हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक चीज को, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये एक जरूरी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने चोरी करी है ना, तो चोरी करने में जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी, इस बेसिस पे उसको कम या ज्यादा करके नहीं मिलेगी कि वो किसी और
और जेंडर का है या किसी और रिलीजन का है या कहीं और से बिलोंग करता है, कलर बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। कानून में हर सजा का एक प्रावधान है। आपने कोई भी अपराध किया हो उसके लिए आपकी फिक्स सजा है कि आपने ये अपराध किया तो आपको ये सजा मिलनी चाहिए। कोई भी दो लोग अगर एक जैसा जुर्म करते हैं तो उनकी सजा अलग अलग नहीं हो सकती। किस बेसिस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? किसी भी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको क्या करना है, एक तो चैप्टर की रीडिंग लगानी है और सारे क्रॉसिंग के टर्म्स लर्न करने हैं, अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है सारे टर्म्स को। ठीक है, थैंक यू।